हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल मौर्य। दोस्तों, इस बार जब मैं इसके पहले दो वीडियो बना रखे हैं 2017 2018 के फार्माकोनोसी के एनुअल एग्जाम्स के, ठीक है। इस बार का जो है वो 2019 का है। ये पेपर पूरा है, आप ये मत समझिएगा कि पेपर के रूप में नहीं, लेकिन हाँ कि मैंने इसको नोट किया, नोट करने के बाद आपको बता रहा हूँ। सेम ऐसे पेपर आ रहा था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पाँच प्रकार के होते हैं, पाँच क्वेश्चन होते हैं, 16-16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। किसी में दो करना होता है, किसी में चार करने होते हैं, ठीक है। एक 8 नंबर का हो सकता है, 4 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें देख लेते हैं, तीन दिया हुआ है, तीन में से किसी दो को करना है, ठीक है। टू ऑफ द फॉलोइंग, दो को करना है। हिस्टोरी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ये भी कई बार पूछ चुका है। एडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन, ये भी कई बार पूछ चुका है, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं से ही फंस ही जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का देख लें, ठीक है। डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, टैनिस, ठीक है, टैनिन और रेजिन टर्फेनोइड, तीन में से दो को करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं, इसको भी, इसमें भी दो ही करने हैं। डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो को करने हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर का और दोनों 16 नंबर के हो गए। तो एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द फेनल एंड क्लोव, इसको मैंने बना रखा है, इसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का तैयार हो गया। एनाटॉमिकल का मतलब होता है इसको जो, इसका जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसको आपको बनाना है। तो मेरे में भी जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर नहीं बनाया होगा तो मैं अभी डाल दूंगा, मेरे नोट्स में ये रखा हुआ है बना के, तो आपको ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फेनल का और क्लोव्स का। उसके बाद कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सेना एंड ऑर्गट, ये भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद सोर्स प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिल्क एंड रिजनरेट फाइबर, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, तो मैं इसको कुछ नहीं बता सकता हूँ। आप लोग अगर पढ़ना चाहे कहीं से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये दो को ही तैयार कर लें, आपका इसमें से हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या करना, देखो बहुत सरल है। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फार्मास्यूटिकल यूज, तीन चीज़ लिखने हैं। जबकि मेरे वीडियो में करीब 5-6 हेडिंग है, वो शॉर्ट नोट में भी है और ये सब चीज़ उसमें दिया हुआ, बहुत अच्छे से छोटे छोटे में दिया हुआ है, आप बड़े अच्छे से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपको केवल तीन चीज़ें लिखनी है। देखिए, तीन लाइन में, चार लाइन में आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे कॉपी को भर के ही आएँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ें दी गई हैं, मेन मेन चीज़ों को लिखें और अच्छे नंबर पाएँ। जैसा कि देख लेते हैं, कस्टर ऑयल हो गया और अर्जुना हो गया, स्पोटिडा हो गया, कैनबिस हो गया, कैनबिस मतलब भांग होता है, ठीक है, वसाका और जिमनेमा, ठीक है। तो ये हो गया, 6 में से किसी 4 को ही करना है। उसके बाद पांचवा नंबर देख लेते हैं, पांचवा नंबर क्या क्या दिया था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको मजाक मत लीजिएगा, नहीं तो आप समझिएगा फिर। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, इस 4 में से, 6 में से 4 का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मेरे जितने भी वीडियो हैं, मेरे सारे के सारे वीडियो शॉर्ट नोट में ही हैं, तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला कोयलिन हो गया, पिपरमिंट ऑयल हो गया, बीस वैक्स हो गया, शंख पुष्पी हो गया, सार्क लीवर ऑयल हो गया और अश्वगंधा हो गया। मेरे इसमें जो भी वीडियो नहीं होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही प्रोवाइड करा सकूँ आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया, 3 साल के मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए थे पहले से आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। और इसके बाद जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मैं जल्दी ही बनाने कोशिश करूँगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको वही मिल जाएंगे। और जो वीडियो इसमें नहीं थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, मस्त तरीके से पेपर दीजिए। आप कितना भी आप इसमें से पढ़ लेंगे, अगर दो को भी तैयार कर लेंगे, तीन को भी, तो इसमें से काफ़ी कुछ फंस जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना होगा आगे जाके, वैसे आप तैयारी करते रहें इन सब के आधार पर। इनको आप पढ़ लेंगे 3 साल के क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि इसमें से एक दो क्वेश्चन ना फंसे, मतलब 16 या 32 नंबर का ना फंसे, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर 16 नंबर का भी फंस गए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ें, वैसे फंसेगा, काफ़ी फंस जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए और हम भी तैयारी करके आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।